डिबकाम दफ्तर के बार गरजे सैकड़ा डेली वेजर मंगे का सौंपया पुलंदा सरकार की भर्ती नीति की लाई लताड़। ट्रांसपोर्टर आखिरकार मनी किराए च 30% बढ़ोतरी, नुकसान की भरपाई कीते पैकेज नहीं थोने पर दसा करते हैं रोक। अखंड भारत कीते बलिदान देने वाले सपूत की कीता याद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें की 68वें बलिदान दिवस उपर पूरे देश च दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, डुगरनामे दीयां खबरें तुंदा स्वागत है ते आऊं आ सुरेंद्र सागर ते हुण समाचार विस्तार कन्ने। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर च जदू थमां दफा 370 दीयां बेड़ियां खोली दीयां ने अदू थमां इत्थे आतंकवाद दा खात्मा लगातार जारी है। शौर्य दे जोर उपर कुख्यात आतंकवादी मारे जा करदे ने। इसे कड़ी च कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले च सुरक्षा बलें ते आतंकवादियों विचकार अज होए दे टाकरे च दोनों आतंकवादियों की मारी टकाया गया। इस टाकरे च हालांकि CRPF का एक जवान भी शहीद हो गया। दरअसल आतंकवादियों की मौजूदगी की एक पुख्ता खुफिया जानकारी थोने उपर सेना की 55वीं राष्ट्रीय राइफल पुलिस ते CRPF ने दक्षणी कश्मीर के पुलवामा जिले के एक इलाके च अज बड़े थमां गै घेराबंदी करिए तलाशी अभियान शुरू कर दिता है। तलाशी अभियान के दौरान उत्थे छप्पे दे आतंकवादियों सुरक्षा बलें उपर गोलाबारी शुरू कर दी ते अभियान टाकरे च तब्दील हो गया। इस टाकरे च सुरक्षा बलें दो आतंकवादियों की ढेर कर दिता जिंदे थमां दो AK-47 रफलां बरामद की गई। इस टाकरे च CRPF का एक जवान गंभीर रूप कन्नै जख्मी हो गया जिसने बाद च दम त्रोड़ दिता। दसी देता जे जम्मू कश्मीर च जारी आतंकी विरोधी अभियान च इस साल हुणे तक सुरक्षा बलें 110 थमां मते आतंकवादियों की मारी टकाया। पिछले वीं दिनें च सुरक्षा बलें करीब 36 आतंकवादियों की ढेर किया। जम्मू कश्मीर के बख-बख सरकारी महकमे च सेवा दिया करदे डेली वेजरे अपनी हड़ताल के दूए दिन जम्मू च डिबकाम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करिए अपनियां मंगें गी जोर शोर कन्नै चुकिया। इन्हें लोकें अपनियां मंगें दे संबंध च एक ज्ञापन डिबकाम होरें गी सौंपिया ते उसकी तौले उपर उस उपर अमल करने की मांग की। डेली वेजरे सरकार की नवी भर्ती नीति की सख्त निंदा करने के कन्नै कन्नै उंदे बकाया मानदेय का भुगतान नहीं होने ते मिनिमम बेजिज एक्ट की लागू नहीं करने पर सरकार की फटकार लाई। डेली वेज ने सरकार पासिया घोषित की गई 50,000 नौकरियों च सबने थमां पहले डेली वेजरें की ला देने की मांग करते हुए चेतावनी दी जे अगर इं नहीं हुआ तो इस अंदोलन की होर तेज कर दिता जाग। देखिए, आज स्ट्राइक का हमारा दूसरा दिन है और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनियन फ्रंट के बैनर तले पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वो कश्मीर प्रोवेंस की बात करें, जम्मू प्रोवेंस की बात करें, और आज हमारी लीडरशिप जो है स्टेट लीडरशिप आज यहाँ पे ड्यूकॉम के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है। आप जानते हैं कि नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी की जो पोस्टें जो निकाली जा रही है जम्मू कश्मीर में, उसमें डिलीजेंस को बिल्कुल भी साथ बेइंसाफी और धोखा हो रहा है। और हम मांग करते हैं कि यहाँ की 50,000 नौकरियां जो आपने अटैचमेंट की है उसमें सबसे पहले यहाँ के कैजुअल लेबर डिलीजेंस का हक है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि यूटी बनने के बाद मिनिमम एक्ट जो यहाँ पे लागू होना था वो अभी तक उन्हें लागू नहीं किया, और 60-60 महीने की हमारी पेंडिंग सैलरी है। और उसके अलावा हमारे 12 वर्सेस का इशू, सीरीज का इशू है, और सीजनल लेबर की सर्विस को थ्रू आउट ईयर करना, ये मुख्य डिमांड हमारी है। अगर सरकार ने पूरी नहीं की तो ये जो हड़ताल है या स्ट्राइक है और ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है, और यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर लोगों को परेशानी आई तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की हो। यात्री किराए च 30% बढ़ोतरी की मांग करा करते ट्रांसपोर्टर किराए च 30% बढ़ोतरी करने के सरकार के फैसले की खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। उनका गलाना है जे कोरोना काल थमां पैदा हुए मौजूदा हालात की देखते हुए सरकार ने जिहड़ा फैसला लेता है वह उनकी मंजूर है। हालांकि इस फैसले थमां ट्रांसपोर्टरें की कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। ट्रांसपोर्टरें सरकार थमां उनकी दूजी मंगें उपर भी गौर करने की अपील की है। ट्रांसपोर्टरें खास तौर पर उनेंगी पैकेज दिते जाने पर जोर दिता है तां जे पिछले 4 महीने थमां उनेंगी होए दे नुकसान की भरपाई हो सके। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि
कम से कम जो हमारी डिमांड थी, हमारी डिमांड तो 50% की थी, लेकिन चलो हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ने 30% हमारा रेट बढ़ाया है। मैं उसके लिए शुक्रिया करता हूँ हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी का, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, डीसी मैम का और मुर्मू साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब का। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोजल भेजा था तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी भी हमारी डिमांड्स हैं, बड़ी एक लंबी लिस्ट है, मैं यहाँ गिनूँगा नहीं, 14-15 हमारी डिमांड्स हैं, तो गवर्नमेंट उन पर भी ध्यान देगी। एंड डिमांड थी कि कोई पैकेज लिया जाए जिसमें हमें जो हमारी इंश्योरेंसेज हैं, फिटनेसेज हैं, रेवेन्यू जो हम दे रहे हैं, टोकन टैक्स का जो फी हमारी और लग रही है, इंटरेस्ट जो हमको पड़ रहा है, वो उसमें कोई राहत मिल सके। इससे ज़्यादा शायद करना उसके लिए भी मुश्किल होता, तो मैं समझता हूँ कि 30% जो है हमें इतना सूटेबल नहीं है, लेकिन मजबूरी को देखते हुए सरकार की भी हम इस पर अपनी सहमति जो है वो हमें सहमति है और हम इस पर गाड़ी चला सकते हैं। डिमांड्स तो हमारी बहुत ज़्यादा है, खासकर हम टैक्सी की बात अगर करें तो टैक्सी का रेलवे स्टेशन में करोड़ों रुपए की पार्किंग दे रहे हैं हम, ऑटो भी दे रहा है, मेट्रो और बस भी दे रहे हैं, ऐसा ही एयरपोर्ट में हमारे साथ जो है वो पार्किंग हम बहुत ज़्यादा देते हैं, उस पर अभी सरकार ने कोई गौर नहीं फरमाया है। हमारी ये थी कि हम इस पर अपना कुछ ना कुछ, हमें पैकेज भी हमें मिलना चाहिए था, वो पैकेज का भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक जो इन्होंने हमारी किस्तें का, हम सोचते थे किस्तें भी हमारी कुछ माफ़ होंगी, उसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ, तो इसमें अभी बहुत कुछ होने को है। और सरकार अभी देखिए ये ओला उबर बेस पर एक एग्रीगेटर के नाम पर एक टैक्सी का करना चाहती है, हम चाहते हैं कि अभी उस चीज़ को ना लाया जाए, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट आएगा ही नहीं, टैक्सी जो है सिर्फ टूरिस्ट पर डिपेंडेड है, टूरिस्ट जो है अभी आने वाला नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सरकार अभी सिर्फ जो ये दबा हुआ और ये खत्म हुआ कारोबार है, इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए सरकार हम लोगों की मदद करे। जम्मू कश्मीर की भारत का अटूट अंग बनाने ते एक विधान, एक प्रधान ते एक निशान कीता अपने प्राणे की आहुति देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें गी अज उनके 68वें बलिदान दिवस उपर याद किया गया। पूरे देशा दे कन्ने कन्ने दुनिया रियासतें आंगर जम्मू च भी बीजेपी पासिया बख बख थारें उपर कार्यक्रमें का आयोजन करिए दिवंगत नेता की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसे कड़ी च जम्मू के वार्ड नंबर 14 भारत नगर च बीजेपी पासिया एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस च जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ते पूर्व मंत्री सत शर्मा हुंदे सने मती तादाद च लोकें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें गी अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। विभूति को याद कर रहे हैं जिनकी शहादत के चलते हम सब जानते हैं कि इन्होंने शहादत दी, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। उस समय की जो सोच लगातार से, जिस सोच को हमारे सभी नेताओं ने आगे बढ़ाया, जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी जी ने बताया कि चार पीढ़ियों ने लगातार से प्रयास करके यहाँ पर हम सब जो हैं वो पहुँचे हैं, किसी पीढ़ी ने ये नहीं भूला, किसी पीढ़ी ने अपनी सोच में कोई परिवर्तन नहीं किया कि एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की लड़ाई जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय में सोची थी। उत्थें गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुंदे बलिदान दिवस उपर कठुआ दे मुखर्जी चौक उपर बीजेपी दी बखी दा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम दा आयोजन किया गया, जिसकी सदारत पूर्व मंत्री राजीव जसरोटी होरें कीती। पूर्व मंत्री होरें गलाया जे प्रदेश दे कन्ने कन्ने पूरे देशा च इस दिना दा विशेष महत्व है। उन्हें गलाया जे एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की जिहड़ी लड़ाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें शुरू कीती ही, अज 67 सालों दे बाद उसकी अमली जामा पुआया गया है। रियासत की इतिहास में सबसे अहम दिन है और इस रियासत ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए इस दिन की एक अपने आप में एक महत्वता है। आज के इस दिन पर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता से चलकर हमारी रियासत में एंटर हुए और आप सब जानते हैं कि इस रियासत में 53 से पहले इस रियासत में एंटर होने के लिए एक परमिट सिस्टम था, तो वही लड़ाई का उन्होंने आगाज किया। आज 67 वर्ष के बाद, आफ्टर द पीरियड ऑफ 67 ईयर्स, जो लड़ाई स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की,
कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। वो लड़ाई को आज अमली जामा 67 वर्ष के बाद पहुंचा है। उत्थे गए फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन ने भी स्वर्गीय मुखर्जी होरें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके उपर बीजेपी के नेता विबोध गुप्ता होरें गलाया जे डॉक्टर मुखर्जी होरें देश के जम्मू कश्मीर गित्ते अपनी शहादत दी। उन्हें गलाया जे एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जेड़ा बीड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें चुकया, प्रधानमंत्री ते गृहमंत्री होरें अज उसकी पूरा किया। अज जम्मू कश्मीर का देशा कन्नै पूर्ण विलय हो गया है। जालिम गवर्नमेंट ने उनको कश्मीर की जेल में डाल दिया। वो मेंबर पार्लियामेंट थे और एक दिन अचानक रेडियो में आता है कि भाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का देहांत हो गया, उनकी शहादत होगी, वो शहीद हो गए जम्मू कश्मीर के लिए, इस देश के लिए। और आज 23 जून 1953 के बाद आज पहला 23 जून 1953 है जब देश के अंदर एक, जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश के अंदर एक विधान, एक निशान, एक प्रधान है। इसलिए आज का दिन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल की गहराइयों से हमने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी के हाथों हुआ है और उन्होंने उस बीड़ा, जो बीड़ा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाया था, उस बीड़े की को पूरा किया है और सच्ची श्रद्धांजलि उनको दी है। उधर बिश्नाह च भी बीजेपी पासिया श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिस च पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा सने दुए पार्टी के नेताएं के कारकुने श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्थे गए बीजेपी तलाब तिलो मंडल पासिया भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस च बीजेपी के प्रचार सचिव अयोध्या गुप्ता सने पार्टी के दुए नेताएं के कारकुने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें श्रद्धांजलि दी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है। पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसे बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है। आज उसी सिलसिले में यहाँ भाजपा ऑफिस में हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष और बाकी हमारे चेयरमैन एमसी के, म्यूनसिपल कमेटी के, वीडीसी के और हमारी महिला मोर्चा की हमारी मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम सब ने मिलकर और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं आज एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अर्पित की है। उधर बीजेपी किसान मोर्चे की बखी का आरएसपुरा के ग्रां सलैड़ च आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें उनकी पुण्यतिथि उपर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीजेपी किसान मोर्चा के जिला प्रधान गार सिंह चारक सने पार्टी के दुए लोगों श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। इस मौके उपर घर सिंह चाड़क होरें गलाया है जे जम्मू कश्मीर थमां 370 ते 35 एगी खत्म करी है, मोदी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके सुखने की पूरा किया है। मनोकामना यह ही कि एक देश दे विच दो झंडे नहीं होने चाहिए, एक देश दे विच दो प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। इस मनोकामना के लिए यह जेएनके विच आए और आने के कारण इन्हें अरेस्ट किया गया। उस तो बाद इनेगी डेढ़ महीने के अंदर गए, इनकी मृत्यु हो गई। उस तो बाद अज इनकी आत्मा की शांति मिली है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनका सपना पूरा किया। 300 डोगरा सदर सभा पासिया पिछले कई सालों थमां नवाई जा करती परंपरा के तहत इस साल भी अज सेव वर्ड्स डे मनाया गया। गर्मी ते उसड़ परोचे इस मौसम च त्रियाए दे पखरू पखेरुए गी पानी पिलाने दी एक मुहिम दे तहत सभा ने अज जम्मू दे जनाना पार्क च बूटे ते दुईए थारे उपर मिट्टी दे भांडे रखिए इन्हें बेजुबाने दी त्रे चकाने ते संघर्षण च अपना योगदान दिता। सभा दे प्रधान गुलचैन सिंह चारक सने दुए सदस्य भी इस मौके उपर मौजूद हे। तो इन दिनों में जब 42 से भी ऊपर ये टेम्परेचर होती है तो हम 5 मई को हर साल ये इवेंट, ये एक हम ओकेजन है जिसको हमने रखा है कि आज के दिन ये मिट्टी के प्याले जो पुरानी रवायत हमारी थी ये सिक्कों में रख के पानी के भर के हम लोगों को बांटें, वो अपने अपनी जगह रखें और सुबह आकर पक्षी पानी पी सकें। और इस मुहिम को चलाने के लिए हज़ारों की तादाद में कॉलेजेस के, स्कूलों के विद्यार्थी, उनके अध्यापक और नंबरदार, चौकीदार, पंच, सरपंच,
और डोगरा सदर सभा के सैकड़ों मेंबर इसमें हिस्सा लेते थे, लेकिन चूंकि इस दफ़ा कोरोना की महामारी की वजह से हम सबको इस वक्त बुलाना मुश्किल था, तो आज की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए हमने अपने खास खास मेंबर्स को बुलाया और प्रोमिनेंट सिटीजन को बुलाया और आज आपके सामने है वही प्रथा हमने जारी रखते हुए आज ये शिकू ये पानी के भर के प्याले उसमें रख के लगाए हैं। अनंतनाग च पिछले दिन आतंकवादियों दी गोलियों का शिकार हुए सरपंच अजय पंडित होरें गी अज अखनूर च पंचायत प्रतिनिधियों भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कामेश्वर मंदिर च आयोजित सोग सभा के दौरान अखनूर दी वख-वख पंचायतें दे पंचे सरपंचें पंचायत कानफ्रेंस के प्रधान अलीन शर्मा हुंदी अगुवाई च स्वर्गीय अजय पंडित होरें गी नमन किया। मिलकर आज श्रद्धांजलि जो है वो दी है अजय भारती पंडिता जी जो सरपंच डूरू क्षेत्र से थे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से थे और उनको 8 जून को शहीद किया गया मिलिटेंटों द्वारा। और दूसरा हम लोगों ने एक और 2 मिनट का मौन हम लोगों ने रखा, वो मौन हमने अपने जो 20 सैनिक हमारे 20 जवान हमारे शहीद हुए ले के अंदर और चाइना की जो आर्मी है उन्होंने पीठ पीछे वार जो है हमारे सैनिकों के ऊपर किया है और उस चीज़ को भी हम लोगों ने 2 मिनट के लिए मौन जहाँ पे रखा। और हमारा मकसद यही है कि तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 जो पंच सरपंच जीते हुए हैं हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के साथ शाना बशाना खड़े हैं, भारतीय आर्मी के साथ हम लोग जो है शाना बशाना खड़े हैं। कभी भी अगर हिंदुस्तान को भारत को अगर ज़रूरत पड़ती है तो तमाम 40,000 पंच सरपंच जो हैं भारत की सेना के साथ बिल्कुल जो है शाना बशाना खड़े हैं। 2 जून की सियोज धार थमां संदिग्ध परिस्थिति च लापता माणू शिवराज दा पुलिस अजें तकर पता नहीं लाई सकी है। इस दे विरोध च अज उधमपुर च पैंथर्स पार्टी ने प्रदर्शन करिए पुलिस दी नाकामी उपर सवाल चुके। प्रदर्शन की अगुवाई करा करदे पार्टी दे सदर बलवंत सिंह मनकोटिया होरें इस मामले की जांच CBI गी सौंपे जाने की मांग की। उन्हें गलाया जे इस समां पहले भी सियोज धारा पर मवेशी लिए जाने वाले कई लोग संदिग्ध परिस्थितियों च लापता होए न जिंदा अजे तक कोई अता पता नहीं चली सकिया। जो 2 तारीख को सियोजदार में अपने मवेशियों को लेकर चराने के लिए वहां पर गए और ये 2 तारीख से आज तक मिसिंग है। यहां तक पब्लिक में चर्चा है कि उनका कत्ल कर दिया गया है लेकिन अभी सबूत सामने नहीं है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन गड़बड़ी तो है कि 2 तारीख से आज 21 दिन होने के बावजूद भी आज तक सच्चाई सामने नहीं आ रही है और वो नहीं दिख रहे हैं, ना उनका शरीर दिखना है ना फिजिकली वो दिख रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई बड़े लेवल की गड़बड़ी है और इसलिए हमने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करके ये मांग करी है, केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं, उपराज्यपाल जी से मांग करना चाहते हैं कि ये मामला CBI को हैंड ओवर किया जाना चाहिए क्योंकि मामला बड़ा सीरियस है और ये मामला अकेला नहीं है। अगर CBI को मामला दिया जाएगा तो आज तक जितने भी वहाँ ऐसे केसेस हुए हैं, क्योंकि जब भी लोग इस तरीके से वहाँ मवेशी चराने जाते हैं तो वो गुम हो जाते हैं लोग। आयुष महकमे ने रोग प्रतिरोध क्षमता कीता है लोगों की जागरूक करने का एक अभियान शुरू किया है। अपने इस अभियान के तहत आयुष जिथे लोगों की इम्यूनिटी बूस्टिंग के प्रति जागरूक करा करता है उत्थे गए इम्यूनिटी की बढ़ाने के मुफ्त दवाइया भी दिखाई जा कर दियां। इसे कड़ी च अज आयुष पासिया जम्मू रायपुर सतवारी इलाके च एक कैंप का आयोजन किया गया जिस च लोगों की इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे च दसया गया ते इसकी बधाने दियां दवाइयां भी बंडियां गईयां। इस मौके पर BJP पार्षद पवन सिंह और मुख रूप कन्ने मौजूद हे। यहाँ रायपुर सवारी में ये मेडिकल कैंप लगा है। अमूमन यहाँ पे COVID-19 कोरोना वायरस पूरे विश्व में महामारी की तरह फैल चुका है और आमतौर से ये शुरू होता है खांसी जुकाम या और तरह की कई चीज़ों से, इसलिए स्पेशली आज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जम्मू कश्मीर की तरफ से यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है जिसमें ये सभी प्रकार की दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं कि हमारे लोग कोरोना वायरस से किसी प्रकार से बचाव हो सके। और खासकर मैं आज आपके माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश है नरेंद्र भाई मोदी जी का कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के रखें,
कहा कि इस कोरोना की जो चेन है इसको हम तोड़ सकें और भारत से इसको भगा सकें। बिश्नाह म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन राजन शर्मा की अगुवाई अज बिश्नाह पीडीडी के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बिश्नाह बिजली की समस्या के नबेड़े के लिए चर्चा की गई। बैठक च सबने वार्डे के सभासदें भी हिस्सा लिया। देखते हुए ने आज हमने बिजली डिपार्टमेंट को सभी को बुलाया हुआ था, उनसे हमने पूरी चर्चा की है बिजली के बारे में और क्या क्या समस्या आ रही है, किस लिए बिजली का और किस तरह से इसका हल मिल सकता है। उसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि बिजली का है जो इसके लिए हमें केबलिंग करना पड़ेगी, उसके लिए हमारे क्योंकि पिछली बार हमने उनका काम जो बंद करवाया था, हमारे जितने भी काउंसलर हैं सभी ने बैठकर इसका डिसीजन लिया था, लेकिन अभी परेशानी जो आ रही है उसको देखते हुए डिपार्टमेंट वालों ने बोला है कि हम इसको जल्दी ही इसको कंप्लीट करने पे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब आवाम की पक्का मकान बनाइए देने के लिए है सरकार के प्रयास तो जारी न, पर कई थारे पर इस योजना का लाभ लेने के लोग दर बदर हुआ करते हैं। कठुआ के नगरी च कई लोगों इस योजना के तहत पक्के मकान बनाने शुरू तो करी दिते, पर दुई किश्त नहीं थोने थमां उनके मकान नहीं बनी सके। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब आवाम की पक्का मकान बनाने गित्ते माली मदद देने के लिए सरकार की कवायद तो जारी है, पर ऐसा दिखाया जा करता है जे जरूरतमंद लोगों की इसका लाभ लेने गित्ते दर बदर होना पवा करता है। सरकारी तंत्र की अनदेखी का नमूना थोआ करता है जिला कठुआ की तहसील नगरी च, जिथे इस योजना के तहत कई परिवार पक्का मकान बनाने की आस लाई है बैठे दिन, जेड़ी पिछले एक साल थमां पूरी नहीं होआ करदी है। पक्का मकान बनाने गित्ते किश लोकें अपना कच्चा मकान भी पन्नी टकाया है। इन्हें लोकें इस योजना के तहत पक्का मकान बनाना शुरू तो किया, पर उनेंगी दुई किश्त नहीं थोआ करदी है, जिस थमां उनका मकान बनाने का काम अद्धा च गै लड़के दा है। सरकारी तंत्र की ढिली चाल दे चलते ये लोग पैसे का इंतजार करा करदे न। इंदे विचा किश परिवार किराए दे मकाने च रौने गी मजबूर न, पर इंदी बाज कुसे तकर भी नहीं पुजा करदी है। इन्हें लोकें गी आखिया जा करदा है जे लैंटर पाने दे बाद गै उनेंगी राशि दा भुगतान कीता जाग, पर ऐसा करने च ये लोग असमर्थ न। सनहाने कच्चे घर ही ते उन्हां पटाए ते ते उन्हां खड़े ते करी रहे उन्हें उन्हें अगहन किस्त नहीं दे आ रहे हो, आपे पाओ ते फिर तुम्हें किस्त दिने आपे हाड़ा साथ देने वाला है नहीं कोई भी, हूँ अं बड़ी परेशान हाँ अगर बरसात आनी अं कुछ रहना इन्नी किजे कोठू रोने अं बड़ी तंगी है बड़ी परेशानी है। रसोई का परैंत भरो फ्रैश बाथरूम का भरो तो फिर ग्रांट देनी है वो साढ़े को नहीं पैसे पुजे अं कुछ भरने कुछ नहीं। जो साढ़ा घर है कच्चा असें भी तोड़ी ताड़िए तो परैंत कर जुड़िया तोड़े सामने ही दिखा दियो तो उदे बाद विच हुण नहीं हुण रौहणे जी ते नहीं हुण उपरा बरसात आवा दी है पता नहीं क्या हाल होना है। दो त्रै महीने जिहड़ा जिउंदा लाकडाउन लगे दा कम अस करदे हे दिहाड़ी शहाड़ी दा उह भी कोई नहीं, उहनां दे समझ लो भई इ'यां फाका ही सच इ'यां ही दिन कट्टा रहे हां। उह आखदे जी इसी लैंटर तुसें लैंटरा तक करो ते इह जिहड़ा तुस लैंटरा तक करो ते फिर तुहानूं किस्त देंगे। हुण ओह जनाब लैंटरा तक बड़ी मुश्किल है, खाने का पोचा बड़ी मुश्किल है ते लैंटरा तक कियां जाना परेशान है। अब लोगों की ये डिमांड है कि ऊपर से बरसात आ रही है, गर्मी का मौसम है, सर कहाँ रहेंगे लोग? इन्होंने लोगों के घर सामान रखा है अपना, लोगों के घर में रह रहे हैं जी, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, इतनी प्रॉब्लम है कि ये कोरोना से बच जाएंगे बरसात से नहीं बच पाएंगे, ये लोग इतनी गर्मी से नहीं बच पाएंगे, कहाँ रहेंगे ये लोग? तो हमने सर हमने जो हमारी चेयरपर्सन है शशिकांता जी, मैं भी उनके साथ गया था, डीसी साहब को भी बोला हमने, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं ओम भक्त जी, उनको भी हमने अपनी बात सुनाई कि लोगों के घर अधूरे रह गए इनको पैसे दो, तो उनके जो हमारा फंड था ना जो रिलीज थी वो लॉकडाउन से पहले ही खत्म हो गई है, दो महीने पहले। सरकार बेशक गरीबों के पक्के मकाने के सुखने की पूरा करने च लगी दी है, पर नगरी च पिछले एक साल थमां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माली मदद का इंतजार करा करते लोग कुदै ना कुदै सरकारी तंत्र के रवैये थमां दुखी न। ये लोग मतलका महकमे के अधिकारियों के गलाने उपर
कच्चा मकान भन्नी है पक्के दा इंतजार करा करदे न पर इनेंगी दुई किश्त नहीं थोआ करदी है इयां करिए सरकारी तंत्र इन्हें लोकें दी गरीबी दा मजाक डुआ करदा है कठुआ थमां कैमरामैन कुलदीप चौधरी दे कन्ने यश शर्मा दी रिपोर्ट।